यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जॉब दिखाई देगी आपको जो कल ही पोस्ट हुई है और कुछ तो आज भी पोस्ट हुई है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लोगों के लिए होता है कि वॉलमार्ट में अप्लाई करें, क्योंकि वॉलमार्ट बहुत सारे बेनिफिट्स देता है एम्प्लॉयर। तो आपको मेल आएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला है, इसमें से कोई डेट और टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड पेज है वो मेन है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिज्यूम ही आपकी अवेबिलिटी नहीं डालनी है, आपकी अवेबिलिटी। तो आज का वीडियो हम बनाएंगे कि वॉलमार्ट में जॉब कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वॉलमार्ट में ही जॉब ढूंढते हैं। तो बहुत सारी ट्रिक टेक्निक्स हम बताएंगे कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, कहाँ पे जाके अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू कॉल कैसे आ सकता है, इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वॉलमार्ट में 10% ग्रोसरी पे डिस्काउंट होता है एवरीडे, अगर आप एम्प्लॉय हो तो मंथ में एक बार 20% डिस्काउंट होता है, तो ग्रोसरी में आपको बेनिफिट्स मिलता है, डेंटल मेडिकल बेनिफिट्स और बहुत सारे वॉलमार्ट में बेनिफिट्स भी होते हैं। तो लोग प्रीफर करते हैं कि वॉलमार्ट में जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे कैरियर का भी अच्छा ग्रोथ है। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनको एक्चुअल प्रोसीजर पता नहीं होती है, क्या प्रोसीजर होती है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, रिज्यूमे कैसे होना चाहिए जिससे हमारा जल्दी से शॉर्टलिस्ट होके इंटरव्यू कॉल आ सके। तो ये सब हम पूरे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके वॉलमार्ट कैरियर सर्च करेंगे, वहाँ पहली जो वेबसाइट है वॉलमार्ट की वो सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा, वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा। तो आपके सबसे पहले वहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लॉग इन आई डी पासवर्ड डाल के कोई भी वेरिफिकेशन दे के क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। तो ऐसा आपका होम पेज क्रिएट हो जाएगा, वहां पे आप जाके यहाँ पे सर्च में जॉब सर्च कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे डिस्टेंस और लोकेशन के दो ऑप्शन आएंगे। लोकेशन में आप अपना कनाडा डाल सकते हो, या तो अगर आप डिस्टेंस से अगर आप सर्च करना चाहते हो तो डिस्टेंस में जाके आप अपना जो पोस्टल कोड होता है वो डाल सकते हो, और एरिया सिलेक्ट कर दो कितने एरिया में आपको जॉब ढूंढनी है। तो आप 10 miles 20 miles कुछ भी डाल के कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब भी सिलेक्ट कर सकते हो। जॉब ऑप्शंस में जो होगा वो आप देख सकते हो वहां पे। उसके बाद आप जब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जॉब आपके एरिया में दिखेगी। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो या तो दिन में कोई आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ओवरनाइट की जॉब ज्यादा प्रेफरेबल मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जॉब दिखाई देगी आपको जो कल ही पोस्ट हुई है और कुछ तो आज भी पोस्ट हुई है। तो ओवरनाइट में जाके हम ये पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे अप्लाई जॉब में जाके पहले तो अप्लाई क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऑटो फिल विथ रिज्यूमे। तो आप रिज्यूमे डालोगे ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएगी थोड़ी सी। उसमें जाके हम पहले यहाँ पे ड्रॉप आउट ईयर, तो हम अपना रिज्यूमे डालेंगे यहाँ पे। रिज्यूमे कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम ये डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप रेफरेंस है तो कोई का फ्रेंड का रेफरेंस डाल सकते हो जो वॉलमार्ट में काम कर रहा है, या तो फिर आप लिंक्डइन डाल के भी कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन भरनी होगी, जहाँ पे आपका लीगल नेम, आपका सरनेम होगा, आपका एड्रेस होगा। तो वो सब डिटेल जब आप फिल करोगे उसके बाद आपको आपका फ़ोन नंबर भी डालना है। तो फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर कोई एरर होगी तो ऐसे एरर दिखाएगी, एरर में क्या है वो करेक्ट करना है। उसमें आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लैंग्वेज और आपका लिंक्डइन का लिंक है वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद का जो पेज है जहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 और क्वेश्चन 2 of 2 है, तो वो डिटेल अच्छे से फिल आउट करनी है अगर जो भी आपको ऑप्शंस पूछते हो। तो वहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि आप पूरे क्राइटेरिया जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन या क्वालिफिकेशन वो मैच कर रहे हैं, तो आप अगर मैच कर रहे हो तो हाँ लिखना चाहिए। नेक्स्ट वो पूछेंगे कि आपको अगर टैक्स मैसेज चाहिए, आपको अगर जॉब का कोई नोटिफिकेशन के बारे में, तो यस करके फिर आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, तो मोबाइल नंबर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप लीगली वर्क करने के लिए एलिजिबल हो कनाडा में, यस। देन आपका एज कितनी है, उसके बाद आपका सिन नंबर, तो यस करना है, आपको सिन नंबर देना है। आप वॉलमार्ट में पहले काम कर चुके हो या नहीं काम कर चुके हो, नहीं है तो नहीं बोलना है। और जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब की वो आप विदाउट एकोमोडेशन भी, अगर वो एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं करें तो भी आप वहाँ पे लीगली जॉब करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप यस डेफिनेटली यस कर सकते हो, और क्राइम तो कोई नहीं किया है ना, तो नो कर सकते हो। ये क्वेश्चन लिस्ट का जो ये सेकंड पेज है वो मेन है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिज्यूम ही आपकी अवेबिलिटी नहीं डालनी है, आप अवेबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अवेबिलिटी के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कौन से दिन में वर्क कर सकते हो, तो आपको एवरीडे बोलना है। उसके बाद अगर नाइट में आप अवेलेबल हो तो नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी दिन में आप अवेलेबल हो अपनी अवेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आप सब सिलेक्ट कर सकते हो।
तो मेक श्योर करें जब आपकी अवेलेबिलिटी हो उसी टाइम पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। और नीचे का ऑप्शन होगा कि आप फुल टाइम पार्ट टाइम के लिए भी जॉब कर सकते हो या तो दोनों के लिए जॉब के लिए अवेलेबल हो, तो वो भी आपको एक क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये टर्म कंडीशन को यस करके सेव कंटिन्यू करना है और आपने जो जो डिटेल फिल करी है वो पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, एक बार वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हो तो सीधा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डन कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ जाएगा। आपके जो ईमेल आईडी डाली हुई है उस पर भी आपको मेल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका स्टेटस एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में है और आज मैंने अप्लाई किया हुआ है, और एक्शन में आप देख सकते हो कि आपको विथड्रॉल करनी है या तो फिर आपको एक बार वापस से एप्लीकेशन देखनी है। तो आप जितने भी ऐसी एप्लीकेशन डालते रहोगे तो आपके इसमें यहाँ पे ऐड होती जाएगी एक्टिविटी में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको अगर और सर्च करनी है जॉब तो वापस से सर्च जॉब में जाके एक एक सर्च करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था जॉब अप्लाई करना। तो जॉब अप्लाई करना तो थोड़ा सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। रिज्यूमे में ऑटो फिल्टर होके जाता है आपका रिज्यूम। तो अगर आपके रिज्यूमे में स्किल जो रिक्वायर्ड है जॉब की पोजीशन के लिए अगर वो मैच नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने ओवरनाइट के लिए डाला, तो ओवरनाइट के लिए स्किल क्या होनी चाहिए। ओवरनाइट के लिए स्किल होनी चाहिए कि अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, आपको बॉडी में कोई पेन नहीं है, आप जैसे कि 12 आवर्स तक भी खड़े रह के काम कर सकते हो, आप गुड इन अ कम्युनिकेशन, आप ग्रुप में काम कर सकते हो, आप एक टीम मेंबर हो, वैसी डिटेल होनी चाहिए। ना कि आपको बड़ी बड़ी सी डिटेल चाहिए कि मुझे कंप्यूटर में ये स्किल आती है वो स्किल आती है, उसको आपको प्रेफरेंस नहीं देना। ये बेसिक सी स्किल आपके पास होनी चाहिए अगर आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और तो ये स्किल डायरेक्टली मैच करेगी, और जैसे कि एबल टू लिफ्ट हैवी वेट ऐसा आप डालोगे तो ये स्किल सीधा प्रोफाइल को मैच करेगी और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होके आगे जाएगा। अभी जब आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है तो आपको मेल आएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसमें से कोई डेट और टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबसे पहला जो स्केड्यूल टाइम है और डेट है वही सिलेक्ट करें, क्योंकि आप जितना लेट सिलेक्ट करोगे उतना आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कम होते जाएंगे। क्योंकि वॉलमार्ट में ऐसा नहीं है कि 100 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो 100 को पहले इंटरव्यू खत्म कर दे उसके बाद ही उसमें से सिलेक्ट करें, नहीं ऐसा नहीं है। आज 2 लोग का इंटरव्यू हुआ, अगर उसमें से कोई पसंद आ जाता है तो उसी दिन नेक्स्ट डे मेल आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए थे लेकिन हमें कोई पसंद आ गया है, तो आपका एप्लीकेशन वापस से रिजेक्ट हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि इंटरव्यू की डेट लेट सिलेक्ट करने की वजह से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो था लेकिन कोई सिलेक्ट हो गया था तो मेरा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था। तो मेक श्योर आप सबसे पहला दिन पहला टाइम सिलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए जाएं। और जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको मैनेजर अपनी ऑफिस में बुलाएगा, जैसे कि 3-4 लोग साथ में ही होते हैं। तो सबसे पहला तो अपना 3 क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में बेसिक से। सबसे पहला होता है कि आपको पूछेंगे कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बहुत नॉर्मल सा और नॉमिनल बताना है, आपको इतना ज़्यादा नहीं बताना है कि मुझे ये सर्टिफिकेशन मैंने लिया हुआ है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर जॉब के रिलेटेड वो सर्टिफिकेशन है आपका तभी आप बताएं। तो बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दें। देन जैसे कि नाइट शिफ्ट में आप काम करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि मेरे को होम टाउन में नाइट शिफ्ट का एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे 1-2 साल किया हुआ है, तो आई एम एबल टू वर्क इन अ नाइट शिफ्ट एज वेल, और मैं लंबे टाइम तक खड़े रह सकता हूँ, मैं हैवी लिफ्टिंग भी कर सकता हूँ, ये आप इंट्रोडक्शन में भी बता सकते हो। अभी सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड में बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है वॉलमार्ट में, कई जगह पे नहीं भी होता है, तो जहाँ पे ये सेकंड राउंड होता है उसमें ये प्रोसीजर है कि आपको कोई भी एक चीज़ दे के बोलेंगे कि इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो कोई एक चॉकलेट हो गई तो आपको उसके बारे में बोलना है कि ये चॉकलेट बहुत अच्छे स्वीट है, इसका ये कंटेंट है, ये हेल्दी है, ऐसा थोड़ा बेसिक सी डिटेल देके आपको उसको सबमिट कर देना है। उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो आप सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं। ये स्किल आपके इंटरव्यू में कब मांगेगी, जो आपको कस्टमर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, या तो कस्टमर कंप्लेन में आप हो या तो कस्टमर के कैशियर काउंटर पे हो, तो वहाँ पे ये स्किल ज़रूरत होगी। तो ये इसीलिए माइट बी कम्युनिकेशन के लिए ये स्किल चेक करेंगे। और थर्ड आपका क्वेश्चन होगा कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, तो उसमें आपको बेसिक सी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे ये जॉब से मैं ज़्यादा फ्रूटफुल काम कर पाऊँगा, तो मेरा पास का एक्सपीरियंस भी इसी फील्ड में है, मैंने ये काम किया हुआ है, और
मेरे लिए ये टाइमिंग बेहतर है, मेरा एक्सपीरियंस ये सूट करता है, मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में अच्छा लगता है, जो भी आप वो बता के ये जॉब में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और एक मेन चीज़ बताऊँ तो कोई भी रेफरेंस से वॉलमार्ट में आपका इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वो सिलेक्ट होके आएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा। लेकिन अगर इंटरव्यू सिलेक्ट आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है, उसके बाद अगर आपका वहाँ पे सेम स्टोर में कोई रेफरेंस है, हाँ, तो रेफरेंस से आपका जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जैसे ही इंटरव्यू में जाओगे और आपका कोई रेफरेंस होगा तो उसके सपोर्ट से आपका सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ट्राई कीजिए कि जिस स्टोर में भी आपका इंटरव्यू आ रहा है उसमें आप कोई रेफरेंस या कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाए वो इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के लिए। तो ये था वॉलमार्ट में कनाडा में जॉब कैसे लेते, तो बस ये ट्रिक फॉलो करते जाइए, और जितना से जितना हो सके ये वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर और जो भी वॉलमार्ट में जॉब चाहते हैं या तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से आने वाले हैं कनाडा में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ये जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करें और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं कनाडा के बारे में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।